दोस्तों, अगर आप नाइट ड्यूटी मैकेनिक हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस रिसीवर पर यह जो कार्ड लगा हुआ है, इस पर यहाँ देखेंगे यह छोटी आईसी वाला कार्ड है और आपको इसी प्रकार से एक बड़ी आईसी वाला आली के नाम से आपको एक मदरबोर्ड देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपको इस प्रकार से मदरबोर्ड वाला आपको डीटीएस रिसीवर मिलता है तो आपको इस रिसीवर पर अधिकतर नो सिग्नल का फॉल्ट देखने को मिलेगा। आपका जो ये पावर सप्लाई का वोल्टेज है 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, यह दोस्तों सही होने के बावजूद भी इस पर से आपको नो सिग्नल देखने को मिलेगा, आपका सिग्नल नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको इस पोजीशन में इस फॉल्ट को किस प्रकार से ठीक करना है, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। और आपको ये जो बोर्ड है, अक्सर आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, इस पर टोटल 6 वायर होते हैं। ये जो 3 वायर है, एक ग्राउंड का है, एक 5 वोल्ट का है, एक 24 वोल्ट मतलब कि 24 वोल्ट का है। तो आपको दोस्तों इस 5 वोल्ट, 24 वोल्ट और ग्राउंड वाले वायर को आपको इसे छोड़ देना है। आप चाहे तो ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको 5 वोल्ट और 24 वोल्ट का जो वायर है आपको इसे अलग कर देना है। आपको केवल 3 वायर का ही उपयोग करना है, एक ग्राउंड, एक 3.3 वोल्ट और एक 12 वोल्ट। अब दोस्तों, आप इसका कनेक्शन जो है किस प्रकार से करेंगे, अब दोस्तों आपको इसके बाद क्या करना है, तो आपको यह जो 5 वोल्ट और 24 वोल्ट वाला वायर है और एक ग्राउंड का वायर है, आपको इसे अलग कर देना है। हम दोस्तों केवल 3 वायर का ही उपयोग करेंगे, जो कि ग्राउंड 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट का होगा। कुछ लोगों का कमेंट भी आ सकता है कि अगर हम 24 वोल्ट सप्लाई नहीं देंगे तो हमारे हॉरिजॉन्टल के चैनल नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यह डीटीएच का एमपेक 2 रिसीवर है। जितने भी मेन चैनल हैं, सभी के सभी आपके वर्टिकल पॉलिटी में, जो कि 12 वोल्ट पर चलते हैं, आपका इससे सभी चैनल चल जाता है। वर्तमान में आपको 24 वोल्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तीनों वायर को अलग कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, हम केवल क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 3.3 वोल्ट वाला वायर है, इसे हम दोस्तों जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से आपको इसे जोड़ना है। इसके बाद दोस्तों, हम इसका जो ग्राउंड वाला वायर है, इसे हम जोड़ लेते हैं। सेकंड नंबर ग्राउंड का पिन है। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, यह जो 12 वोल्ट वाला सप्लाई है, जो वायर है, यह जो आपका 12 वोल्ट और 24 वोल्ट वाला जो पिन है, आपको इस 12 वोल्ट सप्लाई को दोनों पिन में जोड़ देना है। आपको मैं नज़दीक से भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि आपको केवल 3.3 वोल्ट का वायर, ग्राउंड का वायर और जो 12 वोल्ट का वायर है, आपको इस 12 और 24 दोनों पिन में आपस में जोड़ देना है। आपको यह 5 वोल्ट और जो ग्राउंड वाला पिन है, आपको छोड़ देना है। और आपको यहाँ से भी 5 वोल्ट ग्राउंड और 24 वोल्ट का वायर आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। आपका इस बोर्ड पर यह जो सिग्नल का प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिला करता है, वह दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको इसे टीवी पर भी चालू करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों, मैंने सेटअप बॉक्स को ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि आपका टीवी पर जो सिग्नल प्रॉब्लम है, हमारा दोस्तों दूर हो चुका है। आप सिग्नल क्वालिटी भी देख सकते हैं, सिग्नल क्वालिटी हमारा करीब 80% के लगभग इस रिसीवर से रिसीव हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको इस कार्ड पर नो सिग्नल का प्रॉब्लम देखने को मिलता है
तो आप सबसे पहले जो 24 वोल्ट का वायर है उसे आप कट करके भी चैनल को सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों यह एक छोटा जानकारी था डीटीएच रिसीवर के बारे में। जानकारी अच्छा लगा हो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।